अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहां पर फाइनली बिहार LRC का लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, स्पेशल सर्वे के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट मैं आप लोगों को देता आ रहा हूं। तो यहां पर उसके रिगार्डिंग एक अपडेट है ना, सर्वे संबंधित जानकारी है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में क्या क्या भरने हैं उसके बारे में यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं। पूरी जानकारी को वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी पूरी जानकारी आप लोग ले पाएंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपको काफी फायदा मिलता है और आपके एक लाइक कर देने से हमें खुशी ज्यादा मिलता है। तो फटाफट लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, साफ सुथरा जो है कह दिया गया, बिहार विशेष सर्वेक्षण को लेकर के है ना, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3 मतलब 3-1 भरने की सामान्य जानकारी। फर्स्ट पॉइंट, प्रपत्र 2 A4 साइज के पेपर पर शिविर कार्यालय में या निदेशालय के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप DLRS के वेबसाइट से भी जो है A4 साइज में प्रपत्र 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रपत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया था है ना, टेक्निकल मैनुअल सेक्शन पर हो जाना चाहिए है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा यानी कि प्रपत्र 2 में भरकर शिविर प्रभारी को सौंपी जाएगी। याद रखेंगे इसे किसे सौंपना है, शिविर प्रभारी को। उसके बाद प्रत्येक रैयत अपने नाम एवं पता के अलावा धारित भूमि का पूरा ब्यौरा रकबा चौहद्दी मोबाइल नंबर आधार संख्या एवं हस्ताक्षर सहित 2 प्रतियों में शिविर में जमा करेंगे। रैयत के लिए बता गया है, जो जमीन का मालिक होता है ना उसे। स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ रैयत निम्न कागजात संलग्न करेंगे। पहला तो जमाबंदी संख्या की विवरणी यानी कि मालगुजारी रसीद की छाया प्रति। दूसरा खतियान की नकल। उसके बाद अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। उसके बाद मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। उसके बाद मृतक का वारिस होने के संबंध में आवेदक हित अर्जन करने वाले का प्रमाण पत्र। उसके बाद प्रपत्र 3-1 क्या कहता है, ये भी A4 साइज के पेपर में 2 पृष्ठ में भरा जाना है और ये शिविर कार्यालय के अलावा निदेशालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, ये भी आपको मिल जाएगा वहां पर है ना। रैयतों को स्वयं की वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर अनुलग्नक सहित शिविर कार्यालय में जमा करना है। प्रपत्र में अपने दखल कब्जा की जमीन का ब्यौरा, खाता खेसरा रकबा एवं चौहद्दी सहित भरना है। प्रपत्र 3-1 को 2 प्रतियों में सभी अनुलग्नकों और हस्ताक्षर सहित अपने वोटर कार्ड आधार कार्ड की 6 प्रति के साथ शिविर में जमा करना होगा। तो ये जो है साफ सुथरा कह दिया गया। सामान्य जानकारी किसके लिए, सभी नवनियोजित कर्मी ध्यान से इसे देख लेंगे, 3-1 और 2 प्रपत्र को किस तरह क्या करने हैं। तो ये था एक छोटा सा अपडेट आपके लिए, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपको एक काम कर लेना है, चैनल पर आकर चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेने हैं, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, उस पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिक करने के बाद आपको अबाउट सेक्शन में आ जाना है। अबाउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ से WSBCC क्लासेस जॉब अलर्ट 24/7 को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से BTSC PRD LRC के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं इजिली। लेटेस्ट अपडेट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है बिहार की कुछ भर्ती परीक्षा का अपडेट मैंने दिया है, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। IOCL की न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। UP टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर के अपडेट है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है BSV मैट्रिक और इंटर का डमी एडमिट कार्ड जो जारी किया गया उसको लेकर के अपडेट है, तो आप ये सारे अपडेट आप लोग आकर के देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।